कहानी की शुरुआत में हमारी इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट अराता किसी अलग ही डायमेंशन में एक लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं जानता क्यों, लेकिन उसको पकड़ने के चक्कर में वो अपनी कजन हिजरी के ही बूट्स को ही दबा देता है। असल में वो सपना देख रहा था। अब हिजरी के हाथों की मार खाने के बाद वो उसके हाथों का बना खाना खाता है। अराता हिजरी को उसकी बचपन की बनाई ड्राइंग उसे नोटिस करवाता है, जिसको देखकर वो एम्बैरेस हो जाती है। वो तो इसे फाड़ने ही वाली थी, लेकिन अराता ने तो इसका फोन में वॉलपेपर ही लगा रखा था। आज कॉलेज जाते वक्त अराता नोटिस करता है कि उसकी हर दिन जैसी जिंदगी में आज कुछ तो अलग हो रहा है। ये सूरज आखिर काला क्यों है? तभी एक लड़की उसके करीब से जाती है। उसके पास होने से उसे डर का एहसास हो रहा था। यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन हिजरी के कहने के मुताबिक सूरज तो हमेशा से ही काला था। पर अराता है कि मानने को तैयार ही नहीं था। वो इस सवाल को स्कूल के टेरिस पर हिजरी से फिर से दोहराता है, तो उसका परेशान चेहरा देख हिजरी उसे कन्फेस कर देती है कि सूरज काला हो या लाल, उन दोनों का ये रिश्ता किसी भी दुनिया में नहीं बदलेगा। लेकिन अराता उसके ही ड्रॉइंग दिखाकर उससे पूछता है कि अगर सूरज हमेशा से ही काला था तो उसकी बचपन की बनाई इस ड्राइंग में ये लाल क्यों है? अब हिजरी का प्रेजेंस पूरी तरह चेंज हो गया था। वो जोर जोर से शैतान की हंसी हंस रही थी। तभी वहाँ एक गोली चलती है जो हिजरी के बैरियर से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये गोली लितीश ने चलाई थी। ये वही लड़की है जिसको अराता ने आज सुबह महसूस किया था। अब हिजरी के एक चुटकी बजाते ही पूरा शहर अपने असल हालात में आ जाता है। ये बर्बादी आज से ठीक 3 दिन पहले शुरू हुई थी, जब काला सूरज आसमान में प्रकट हुआ था। इसकी पड़ती किरणें शहर के हर एक इंसान को निगल लेती है। इसकी चपेट में हिजरी भी आ गई थी, लेकिन गायब होने से पहले उसने अराता को एक किताब दी। इस किताब से मांगी हर एक ख्वाहिश ये पूरी कर सकती है। इससे ही हिजरी ने अराता को बचाया, और इससे ही हिजरी को वापस लाने के लिए अराता ने ये पूरा शहर वापस बना दिया। लितीश अराता के सिर पर गन पॉइंट कर देती है, क्योंकि शहर को तबाह करने वाला भी अराता था और इसका छलावा बनाने वाला भी अराता ही था, जो उसने इस किताब इस हिजरी के नकाब में इस ग्रिमोरी से की थी। लितीश इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस ग्रिमोरी को यूं ही नहीं छोड़ सकती। वो अराता को एक ऑप्शन देती है, या तो वो उसे इस हिजरी को मारने दे, वरना वो उसको ही मार देगी। अराता कोई फैसला करने से पहले ग्रिमोरी से पूछता है, क्या हिजरी अभी भी जिंदा है? वो कहती है कि हिजरी अभी भी जिंदा है, लेकिन वो दो डायमेंशन के बीच फंसी हुई है, जहाँ से ग्रिमोरी भी उसे वापस नहीं ला सकती। अगर वो ऐसा कर पाती तो उसे अराता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हिजरी का रूप नहीं लेना पड़ता। तो अब अराता फैसला करता है कि वो ग्रिमोरी की मदद से मेज यानी जादूगर बनेगा और हिजरी को वापस लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में बस वही लोग जादूगर बन सकते हैं जिनके पास खुद की ग्रिमोरी हो, और लितीश भी उन जादूगरों में से ही एक है। इसके अगले दिन अराता रॉयल बेबेलिया एकेडमी पहुंच जाता है, जो कि इकलौती ऐसी जगह है जहां मैजिक सिखाया जाता है, और यहां की टीचर खुद लितीश है। वैसे अराता के कारनामे इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उसे यहां हर कोई जानता है। उसकी ताकत को वहां डीमन लॉर्ड से कंपेयर करा जा रहा था। वैसे हमें यहां एकेडमी के हेडमास्टर से ट्रिनिटी 7 के बारे में भी पता चलता है, 7 सबसे ज्यादा ताकतवर जादूगरनी। लितीश भी उनमें से ही एक है। अब ऑडिटोरियम में घूमते हुए अचानक ही अराता छत की ओर घूरने लगता है। वहां से एक निंजा लड़की बाहर निकलती है, जो अराता की ऑब्जर्वेशन स्किल देखकर इम्प्रेस हो गई थी। वैसे इस लड़की का नाम लेवी कजामा है, और ये भी ट्रिनिटी 7 में से एक है। अब जब अराता नहाने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात वहाँ हूबहू हिजरी जैसी दिखने वाली एक लड़की से होती है, जो लड़कों के बाथरूम में नहा रही थी। इस लड़की का नाम एरिन है, और ये भी ट्रिनिटी 7 की जादूगरनी है। अब इसके बाद से ही एरिन अराता को स्टॉक करने लगती है, यहाँ तक कि बॉयज टॉयलेट में भी। तो आखिर में थक हार कर अराता एरिन से पूछ ही लेता है, आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रही है। वो बोलती है कि वो होने वाले डीमन लॉर्ड को देख रही है, जिसकी वो बीवी बनने वाली है, और इसके पीछे की वजह उसे जल्द ही पता चल जाएगी। अब अराता अपने रूम में जाता है, तो वहाँ लड़कियों ने उसके कमरे पर कब्जा किया हुआ था। वहाँ वो एस्टिल कोडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो कि अराता की ग्रिमोरी है। कहानियों के मुताबिक जिसके पास भी ये ग्रिमोरी होगा, वो इस दुनिया का भगवान बन सकता है। लेकिन और भी ऐसे कई राज हैं जो एस्टिल कोडेक्स के बारे में किसी को नहीं पता। खैर,
अब लितिश अराता को थीमा के बारे में समझाती है। थीमा, ये सात खतरनाक पापों के मिश्रण से बना जादू होता है जिनका जादूगर इस्तेमाल करते हैं, और अराता को भी इसकी ही जरूरत है जादूगर बनने के लिए। तभी उनके रूम में एक बैरियर कास्ट होता है जिसके अंदर वो सारे फंस जाते हैं। हम इसको अराता की बनाई दुनिया जैसा ही समझ सकते हैं, जिसमें ये लोग स्पेस और रियल वर्ल्ड के बीच में फंस गए हैं। ग्रिमोरी बताती है कि ये दुनिया एक गेम की तरह है जिससे निकलने का रास्ता भी इस कमरे के अंदर ही कहीं होगा, लेकिन देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। और ऐसे गलत वक्त पर इन लड़कियों को नेचर कॉल आने लगता है। अब अराता के पास कोई रास्ता नहीं था, वो ग्रिमोरी को फुसलाकर रास्ता ढूंढ लेता है जो कि बेड के नीचे था, जिसको तबाह करने के बाद दरवाजा खुल जाता है। अब उन लड़कियों के जाने के बाद एरिन अराता से मिलने आती है, उसने ही ये बैरियर बनाया था ताकि वो होने वाले डीमन लॉर्ड की काबिलियत को आजमा सके। वैसे एरिन ने सोचा था कि उसकी इस हरकत से अराता उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन देखा जाए तो मानो अराता को तो अंदर जन्नत ही नसीब हो गई थी। लेकिन अराता अब तक समझा नहीं था कि आखिर सब यहाँ उसे डीमन लॉर्ड कैंडिडेट क्यों कह रहे हैं। तो एरिन उसे एक कमरे में ले आती है जहाँ लितिश भी मौजूद थी। हमारा हीरो थोड़ा ठरकी है तो वो यहाँ लितिश के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसकी उसे सजा भी मिल जाती है। तो हेडमास्टर ने एरिन को बताया था कि अगर अराता कोई भी मुश्किल में पड़ता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके अंदर की डीमन लॉर्ड की पावर्स बाहर आने लगती है। पर जैसा हमने देखा कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कोई है जो अराता की पावर्स को बाहर नहीं आने दे रहा है। तो एरिन अपने हाथ को अराता के हाथ से टच करवाती है जिससे वो अपने मेज फॉर्म में आ जाती है। हमें पता चलता है कि एरिन का थीमा डिस्ट्रक्शन है, जिससे वो ग्रिमोरी का कंट्रोल अराता के मैजिक से खत्म कर देती है, जिससे काला सूरज वापस से आ जाता है और पूरी एकेडमी शहर की तरह गायब होने लगती है। अराता की कमर से काले पंख भी निकल आए थे, अगर इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। लितिश अराता को मारने को तैयार थी, लेकिन एरिन उसकी होने वाली वाइफ है तो वो बीच में आ जाती है। तभी उन दोनों के बीच आकियो और मीरा आ जाते हैं, ट्रिनिटी सेवन की दो और सदस्य, साथ ही यहाँ की सिक्योरिटी लीडर्स भी। मीरा अपने मैजिक से अराता के मैजिक को न्यूट्रलाइज कर देती है और इसे पूरी तरह रोकने के लिए आकियो अराता को मार देती है। वहाँ खड़े सबको लग रहा था कि आकियो की लाश से अराता की बॉडी पूरी तरह गायब हो गई है, लेकिन इसके बाद भी ये कयामत रुकती ही नहीं है, बल्कि अब ये मीरा के काबू से भी बाहर जा चुकी थी। यहाँ अराता कोई अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका था, जहाँ उसे एक दरवाजा मिलता है। उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की वायलिन बजा रही थी, इसका नाम यूई है, ट्रिनिटी सेवन की छठी मेंबर, और इसने ही अराता को यहाँ समन किया था जब आकियो अपनी किक से उसके टुकड़े करने वाली थी, क्योंकि वो जानती है कि ये जो गड़बड़ शुरू हुई है इसे बस अराता ही है जो रोक सकता है। लेकिन वो जानता ही नहीं है कि उसे ये करना कैसे है। इसे रोकने के लिए अराता को अपना थीमा पहचानना होगा जिससे वो अपनी शक्तियों को काबू कर सकता है। अब गंभीरता से सोचने के बाद अराता को ध्यान आता है कि मीरा का मैजिक रक्षा का है, यानी उसका थीमा इसके एकदम उल्टा होना चाहिए। अब अराता के कहने पर यूकी उसे वापस भेज देती है। रियल वर्ल्ड में चारों ट्रिनिटी इस फिनोमिना से गायब होने वाली थी, लेकिन तभी अराता अपने एग्जीक्यूट थीमा से वहाँ के सारे मैजिक को गायब कर देता है, और उस फिनोमिना के साथ साथ लड़कियों के कपड़े भी गायब हो गए थे। पर मीरा ने इसको रिफ्लेक्ट करके अपने कपड़े बचा लिए थे। खैर, जो तबाही इन्होंने एकेडमी में मचाई थी उसकी सजा ये बीच पर फास्ट फूड बेच के काट रहे हैं, और हेडमास्टर अपने मैजिक से बिल्डिंग को वापस ठीक कर रहे हैं। अब जब इसके बाद लेवी और सेलिना होटल में यूं ही घूम रहे थे, तभी उन्हें पास ही के एक कमरे से आराता और लितिश की अजीब सी आवाजें आती हैं। वो ये सोच के मजे ले रहे थे कि वो दोनों शायद कर रहे हैं, तभी लितिश उन दोनों के सामने ही प्रकट हो जाती है और दोनों के सिर पर धर देती है। असल में वो यहाँ हिजरी को वापस कैसे लाना है उस पर डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए आराता को सबसे पहले सेवन ट्रिनिटी को एक साथ लाना होगा। लेकिन अकेडमी के उस हादसे के वक्त से ही आकियो और मीरा आराता से पहले से ही बहुत गुस्से में है, तो सेलिना अराता को सजेस्ट करती है कि उसे अपने मैजिक को गन या फिर तलवार से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसका मैजिक चारों तरफ फैले ना।
अब गन बनाने के लिए उसे लितिश के मैजिक को कॉपी करना होगा, लेकिन लितिश इसके लिए राजी नहीं हो रही थी। पर हिजिरी के लिए आखिर में वो मान ही जाती है और अपनी गन को समन कर लेती है। इस प्रोसेस को अराता अपनी ग्रिमोरी से कॉपी कर लेता है और एक गन क्रिएट कर लेता है। वहाँ ये सबके लिए शॉकिंग था कि अराता किसी के मैजिक को भी कॉपी कर सकता है। इसके बारे में अराता को भी अभी ही पता चला है। खैर, अब एकेडमी वापिस से शुरू हो चुकी है। अराता और लितिश अपनी क्लास में जा रहे थे, लेकिन वहाँ वो देखते हैं कि सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। अराता बोलता है कि बच्चे उसकी क्लास को बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन लेवी उन्हें बताती है कि इसके पीछे कोई और ही कारण है। हेडमास्टर से हमें पता चलता है कि इस ब्रेकडाउन फिनोमिना का असर सिर्फ कमजोर जादूगरों पर ही हो रहा है, जिससे वो गहरी नींद में सो गए हैं। यानी कि ये अच्छा मौका है अराता और हेडमास्टर पर लड़कियों का फायदा उठाने का, लेकिन लितिश उन दोनों का मोय मोय कर देती है। अब इनकी हरकतों से आकिया और मीरा इरिटेट होकर अकेले ही काम करने का फैसला कर लेते हैं। खैर, जो भी एकेडमी में अभी हो रहा है, इसके पीछे ओवरफ्लो मैजिक का हाथ है, जो कि एकेडमी के नीचे के टनल से आ रही है, जहां यूई भी रहती है। वो सभी एकेडमी की गुफा में आ जाते हैं, जो कि गुफा जैसी इसीलिए नहीं लग रही है क्योंकि यही यूई के थीमा का सर है। एरिन अराता को बताती है कि यूई हेडमास्टर के बाद सबसे ताकतवर है। वो चाहे तो अपने थीमा से पूरी दुनिया को सुला सकती है, या तो अकेले ही पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, लेकिन सालों पहले उसे सुला दिया गया था, इसीलिए वो सपनों की दुनिया में रहती है। लेकिन अब अचानक ही उसकी नींद खुल चुकी है, और ये शायद होने वाले डीमन लॉर्ड अराता के उससे मिलने की वजह से हुआ है। खैर, इन सब बातों को भूलकर उन्हें यूई के पास मीरा और आकियो से पहले पहुंचना होगा, नहीं तो सबको बचाने के लिए वो दोनों यूई को ही मार देंगे। इससे पहले इन्हें इन डीमंस का सामना करना होगा। अराता फिर से लितिश के मैजिक को कॉपी कर अपनी गन बनाता है, लेकिन इस बार ये पहले से अलग और ये काम भी नहीं कर रही थी। लेकिन निंजा लेवी ने सबको मूली की तरह काट कर आगे का रास्ता खाली कर दिया था, पर इससे आगे का रास्ता अंधेरे से भरा हुआ था, जहां उनके शरीर से कुछ अजीब से ही क्रिएचर चिपक जाते हैं। अब सभी परेशानियों को पार करते हुए उनका सामना लेवी और आकियो से ही हो जाता है, जो यहां शॉर्टकट से जल्दी और सेफ पहुंच गए थे। इन्हें रोकने के लिए लेवी वहीं रुक जाती है। अब मामला उस दरवाजे तक पहुंच चुका था जिसके पीछे यूई रहती है। अंदर उसकी रक्षा एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन कर रहा था। तभी अराता की डेमोनिक पावर भी बाहर आने लगती है। वो ड्रैगन बहुत ही ताकतवर था। मीरा और आकियो के साथ भी उसे हराना मुश्किल हो रहा था। अब तक अराता भी अपने आप को संभाल चुका था। वो एक प्लान बनाता है और अपने अंदर की सारी डेमोनिक पावर वो ग्रिमोरी को दे देता है, जिससे इस बार वो गन क्रिएट करने में सफल हो जाता है और अपने थीमा से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। वैसे यूई पिछले के मुकाबले इस बार थोड़ी अलग दिख रही है, क्योंकि उसका रूप दोनों दुनिया में अलग अलग रहता है। अब उसके होश में आते ही वो अराता को गले लगा लेती है, जो देखकर लितिश को कुछ तो होने लगता है। वैसे अब हम 7 में से 6 ट्रिनिटी से मिल चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अराता के लिए यूई और एरिन लड़ रहे हैं। अब देखते ही देखते पूरी ट्रिनिटी ही अराता के लिए लड़ने लगती है, पर यूई के मैजिक के सामने कोई बोल सकता है क्या? उसका मैजिक सबको सपनों की दुनिया में ले आता है और सबको गहरी नींद में सुला देता है। लेकिन मीरा यहाँ भी बच गई थी। वो किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकती है, और अराता को ठरकी बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यूई अराता को किस करने वाली थी, लेकिन अराता उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें एक दूसरे को पहले अच्छे से जान लेना चाहिए। यूई बताती है कि वो लंबे वक्त से गहरी नींद में सो रही थी, इसीलिए वो जानती ही नहीं है कि दोस्त बनाते कैसे हैं। अराता कहता है कि वो उसका दोस्त बनेगा और उसे लेवी को भी अपना दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी। वैसे अब यूई बोलती है कि अब वो दोस्त बन चुके हैं, तो अराता जो चाहे वो उसकी बॉडी के साथ कर सकता है। लेकिन लितिश सोए हुए भी अराता को रोक देती है। दूसरी तरफ यमुना और आकियो एक गंभीर समस्या पर चर्चा कर रहे थे कि जब से अराता यानी डीमन लॉर्ड कैंडिडेट इस एकेडमी में आया है, तब से ब्रेकडाउन फिनोमिना बहुत ज्यादा होने लगे हैं। वो उसे मारने का प्लान बना रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक और ब्रेकडाउन फिनोमिना की वजह से एकेडमी की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं, और सबका शक अराता और यूई पर ही जा रहा था। तभी यूई मना करते हुए अराता से चिपक जाती है।
तो लितिश उसे वहाँ से हटने को कहती है, तो युई अराता को किस ही कर लेती है और लितिश बस खड़ी देखती ही रह जाती है। वैसे अगर ये युई ने किया होता तो अब तक ये एकेडमी नर्क बन चुकी होती। इस बार तो मीरा भी जानती थी कि ये काम इन दोनों का ही नहीं है। ऐसा ही ठीक हादसा एकेडमी में पहले भी हो चुका है, करीब 6 महीनों पहले, जब दो जुड़वा बहनें लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, तब अचानक ही यही ब्रेकडाउन फिनोमिना वहाँ होता है और वो दोनों लड़कियाँ ही तब से गायब हैं। अराता और उसके दोस्त इस हादसे की छानबीन के लिए लाइब्रेरी में आते हैं। तभी वहाँ कुछ होता है और वो लोग किसी और डायमेंशन में ही आ जाते हैं। कोई इनविजिबल एनर्जी अराता के ऊपर हमला करती है, लेकिन सलीना ने उसे वक्त पर बचा लिया था। हम देखते हैं एक लड़की जो ठीक सलीना जैसी ही दिखती है, उसको देखकर सब वहाँ हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यही ट्रिनिटी 7 की 7th मेंबर शार्लोट है, जो काले जादू और दूसरे के जादू छीनने में माहिर है। सलीना बताती है कि ये उसकी जुड़वा बहन है और ये दोनों वही लाइब्रेरी वाली लड़कियां हैं। और खास बात ये है कि वो हादसा शार्लोट ने ही किया था। असल में शार्लोट ने शैतान से हाथ मिला लिया है सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और वो यहाँ अगले डीमन लॉर्ड अराता की पावर चुराने आई है, लेकिन सलीना उसे हर बार बचा लेती है, तो शार्लोट उसके ही मैजिक को चूस लेती है। इसके बाद उसकी पीठ से भी अराता जैसे काले पंख निकल आते हैं। शार्लोट बोलती है कि अगर तुम सबसे ताकतवर हो तो लॉर्ड बनने के लिए पढ़ाई की क्या जरूरत है। अराता भी उसकी इस बात से सहमत था, अगर कोई आसान तरीका है तो वो उसको ही अपनाएगा, लेकिन अगर उस रास्ते पे उसे अपने दोस्तों की जान की कीमत देनी हो तो वो उस रास्ते को ही तोड़ देगा। अराता अपनी ग्रिमोरी के साथ उससे लड़ने को तैयार था। ग्रिमोरी उसे आगाह करती है कि ये ओपोनेंट उससे बहुत ही ताकतवर है, वो उसकी पावर लेवल के आसपास भी नहीं है, लेकिन अराता जानता है कि वही जीतेगा। वो अपने थीमा को एक्टिवेट करता है। शार्लोट भी डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है, जैसे अराता किसी के मैजिक को कॉपी कर सकता है, वैसे ही शार्लोट भी चुराए हुए मैजिक ओनर की रिसर्च के बारे में सब कुछ जान सकती है। उसे सलीना की रिसर्च से अराता की पूरी पावर का पता चल चुका था, जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और अराता को जीने का एक और मौका देती है, और साथ ही वो उसके लिए हिजरी को वापस लेकर आएगी जो दूसरी दुनिया में फंसी हुई है। अराता पूरी तरह अपने ख्यालों में खो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी शार्लोट उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है और उसकी डीमन लॉर्ड पावर को छीन लेती है, और सबसे पहले सभी लड़कियों के कपड़े गायब कर देती है। लेकिन लेवी और मीरा ने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन जिसने होने वाले डीमन लॉर्ड को हराया है उसके सामने इनकी क्या औकात। तो लेवी शार्लोट पर इतनी तेजी से हमला करती है कि वो लास्ट मोमेंट पर ही उससे बच पाती है, लेकिन इससे लेवी खुद भी घायल हो गई थी। अब वो लेवी के मैजिक को चुराने वाली थी, पर लेवी जंप लेकर उससे बच जाती है। वो इससे बिल्कुल वाकिफ है कि वो शार्लोट को अराता की पावर्स के साथ कभी नहीं हरा पाएगी, लेकिन मीरा है जो ऐसा कर सकती है। वो अपने गोले से वहाँ के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देती है। ये बहुत ही करीबी मामला था, अराता के पावर्स के बिना शार्लोट शायद ही बच पाती। यहाँ सलीना की हालत बहुत खराब हो जा रही थी, इस दुनिया में बिना मैजिक के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। अराता भी इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास ग्रिमोरी है, उन्हें जल्द से जल्द सलीना को असली दुनिया में ले जाना होगा, लेकिन शार्लोट ऐसा होने नहीं दे रही। तो लेवी तेजी से जाकर उसके पंखों को ही काट देती है। असल में काले पंखों ने शार्लोट की रफ्तार को कम कर दिया था, और साथ ही वो डेमोनिक पावर को यूज करने में माहिर भी नहीं है, इसीलिए लेवी उन्हें काटने में सफल हो पाई। इसके बाद शार्लोट वहाँ से भाग जाती है और वो जगह भी पहले जैसी हो जाती है, लेकिन शार्लोट का खतरा अभी तक टला नहीं है। उसके फिर वापस आने से पहले इन्हें अराता को तैयार करना होगा। सलीना भी सही सलामत बचा ली गई थी, लेकिन वहाँ से आने के बाद से ही सबका जादू कमजोर पड़ गया है। अकेडमी के बाहर आखियो और मीरा अराता को उसके कॉपी मैजिक में और बेहतर बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिस बीच वो मीरा के ऊपर ही गिर जाता है, वो उसका सिर फोड़ देती है। तभी वहाँ अकेडमी के अंदर हर खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और कुछ अजीब सी जिंदा चीजें हर स्टूडेंट के मैजिक को चूसने लगती है। हेडमास्टर समझ चुके थे कि ये किसका काम हो सकता है। शार्लोट वापिस आ चुकी है और इस बार वो हेडमास्टर के साथ पूरी एकेडमी के हर एक स्टूडेंट के मैजिक को छीन लेगी,
लेकिन शार्लोट एक बच्ची है जो इस बात से अनजान है कि हेडमास्टर उसकी पहुंच से बाहर है। वो बहुत ही ताकतवर जादूगर है। उनके ग्रिमोरी सोलमेट गेट को देखने के बाद वो लगभग अपनी हार अपनी आंखों में देख चुकी थी। सोलमेट गेट इतना ताकतवर ग्रिमोरी है कि उसको ज्यादा भर देखने से ही हाई रैंक के जादूगर भी पागल हो जाते हैं। शार्लोट भी अब तक बस इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि उसके पास अराता की डेमोनिक पावर है। लेकिन शार्लोट चालाक थी। वो हेडमास्टर की ठरक का फायदा उठाकर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देती है। मीरा और आकियो भी समझ चुके थे कि शार्लोट बदला लेने वापस आ चुकी है, इसीलिए अराता को आकियो के मैजिक को कॉपी करना जल्द ही सीखना होगा। पर ग्रिमोरी ये कब की कर चुकी है, लेकिन ये ऐसा कोई मैजिक नहीं है जिसमें सॉलिड आइटम चाहिए हो, इसीलिए ग्रिमोरी को खुद ही बाहर आना पड़ता है अपने ह्यूमन फॉर्म में। यहाँ शार्लोट भी ट्रिनिटी जादूगरनियों के रूम में पहुँच चुकी थी, लेकिन लेवी ने उसे ट्रैप में फंसा दिया था, लेकिन वो बस अपनी बहन से मिलना चाहती है। तभी सलीना को भी होश आ गया था। वो अपनी बहन से विनती करती है कि अगर अराता उसे हरा देता है तो वो बुराई का रास्ता छोड़ उसके साथ वापस वहाँ चलेगी जहाँ से वो दोनों आई थी। खैर, अब वो यहाँ सबका मैजिक छीनने वाली थी ताकि वो हेडमास्टर को हरा सके। लेकिन अराता अपनी नई पावर्स के साथ अपनी डेमोनिक पावर शार्लोट से छीन लेता है। अब जब अराता अटैक करने जाता है तो वहाँ मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। ग्रिमोरी शार्लोट की चालाकी समझ रही थी। वो बस अराता का वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द ही उसका सारा मैजिक ड्रेन हो जाए। वैसे शार्लोट को हराने के लिए अराता को उसकी चेस्ट से डीमन एलिमेंट छीनना होगा जिससे सबका मैजिक उन्हें वापस मिल जाएगा। लेकिन शार्लोट के पास ऐसी एक सीक्रेट टेक्निक थी जो आसपास के टाइम को बहुत ही स्लो कर देती है। ग्रिमोरी शार्लोट और अराता के सिवाय सब लोग वहाँ वेरी स्लो टाइम में फंस चुके थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अराता को इसमें नहीं फंसा सकती। अराता ग्रिमोरी को हिंट देकर अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसको भी टाइम में फंसा देती है और फिर से वो अराता को किस करके उसकी पावर्स को छीन लेती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि अराता ने तो उसे फंसाया है। अराता ने ग्रिमोरी को इशारा देकर आकियो के कॉपी किए मैजिक को अपनी जीप पे रख लेता है, जिस वजह से शार्लोट ने गलती से आकियो के मैजिक को ही चुरा लिया था। आकियो के मैजिक की वजह से उसका डीमन क्रिस्टल फूट जाता है, लेकिन वो शार्लोट को बख्श देता है क्योंकि सलीना और आकियो बचपन से आस लगाए बैठे हैं शार्लोट के वापस आने की। लेकिन अब वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकती क्योंकि जिस तकनीक का शार्लोट ने यहाँ यूज किया है वो टाइम को रोकता नहीं है, बल्कि यूजर इसमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज टाइम में ट्रेवल करने लगता है, जिस वजह से वो उस वक्त पर चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अब वो जबरन अराता को उसकी दुनिया में वापस भेज देती है, लेकिन जाने से पहले उसने इस टाइम टेक्निक को कॉपी कर लिया था जिसके बारे में वो ट्रिनिटीज को भी बता देता है और सब भी तैयार हो जाते हैं शार्लोट को बचाने के लिए। लेकिन आगे बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। वैसे अराता कई दिनों से लाइब्रेरी में जादुई किताबें पढ़ रहा है। जब लितीश उससे पूछती है तो वो बताता है कि वो शार्लोट को बचाने के लिए इतने मैजिक सीख रहा है। लितीश अराता को याद दिलाती है कि वो डीमन लॉर्ड कैंडिडेट है, अगर वो एक साथ ज्यादा मैजिक सीखेगा तो वो गायब या इससे भयानक कुछ हो सकता है। लेकिन अराता पीछे नहीं हटने वाला था क्योंकि उसे बस शार्लोट को बचाना ही नहीं है, साथ ही उसे लगता है कि उसे हिजरी के बारे में कुछ और भी सुराग मिल जाएंगे। तभी हेडमास्टर उसे और लितीश को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वहां पर मीरा और यामुना पहले से ही मौजूद थी। वहां अराता गलती से मीरा के पैंटीज देख लेता है तो मीरा शर्माते हुए उसे दूर फेंक देती है। वैसे हेडमास्टर ने आकिया मीरा लितीश और अराता को इन चारों को ये बताने बुलाया है कि अब अराता और लितीश भी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, क्योंकि अब वो उन्हें जिस मिशन पर भेजने वाले हैं उस मिशन से इनका जिंदा वापिस आना मुश्किल ही है। इस मिशन की कीमत जीवन त्याग है, इसीलिए हेडमास्टर मीरा और आकियो को अकेले नहीं जाने देने वाले। हमें पता चलता है कि रॉयल लिबर मैजिक एकेडमी, जो कि इनकी एकेडमी के बाद सबसे जानी मानी एकेडमी है, जो अचानक ही कोई कारणवश या किसी के हाथों तबाह कर दी गई है, तो उन्हें इसकी ही तह तक जाना होगा। तो हेडमास्टर उन्हें कल टेलीपोर्टेशन मैजिक से रॉयल लिबर मैजिक एकेडमी भेजेंगे। उससे पहले हेडमास्टर चाहते हैं कि अब अराता को सब सच पता चल जाना चाहिए। तो हमें पता चलता है कि जादूगर जो थीमा यूज करते हैं वो उनके बिहेवियर को एकदम उल्टा कर देता है।
जैसे कि एरिन जो चुपचाप रहने वाली लड़की है, बट थीमा मिलने से पहले वो बहुत हसमुख लड़की होगी। और इसी तरह लेवी भी, जो निंजा होने की वजह से किसी पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन थीमा मिलने के बाद वो लोगों पे यकीन करती है और उनकी परवाह भी करती है। और इसी तरह लितिश का थीमा उसे इनोसेंट बनाता है, जबकि असलियत में वो एकदम ठरकी वाली लड़की है। खैर, अकेडमी के लिए निकलने से पहले उससे पहले लितिश अराता को और कुछ मैजिक स्पेल सिखाती है। इस बीच लितिश की आंख लग जाती है। उस वक्त अराता और ग्रिमोरी कुछ बातें करने लगते हैं, तभी मीरा और आकियो भी उनके कमरे में आ जाती हैं और उनकी पोजीशन को देखकर वो दोनों कुछ गलत समझ लेती हैं। ग्रिमोरी भी उनके शक को और बढ़ावा देने की कोशिश करती है। खैर, वो अराता को ये बताने आई है कि रॉयल लिवर मैजिक अकेडमी 3 हाई लेवल मैजिक अकेडमी में से एक है, जिन 3 में उनकी खुद की अकेडमी भी आती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि रॉयल लिवर मैजिक अकेडमी पर हमला भी तब हुआ था जब शार्लोट ने यहाँ वापस हमला किया था, इसीलिए इसकी तह तक पहुँचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा, जिसके लिए वो टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। टेलीपोर्टर का नाम सुनते ही अराता को कुछ होने लगता है। तभी एक कॉकरोच को देखकर यामिना अराता के ऊपर ही कूद जाती है और इतने शोर से लितिश की भी आंख खुल गई थी और वो मीरा और अराता को इस पोजीशन में देख लेती है, जिसके बाद वो अराता को तोप से ही उड़ा देती है। अब इसके अगले दिन उन्हें रॉयल लिवर्ड एकेडमी के लिए टेलीपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन इस टेलीपोर्टेशन मैजिक के दौरान कोई अलग ताकत इसमें दखल देने लगती है, जिससे पोर्टल का शीशा टूट जाता है और वो सभी अलग अलग टाइम पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अराता, मीरा और ग्रिमोरी एक साथ ऐसी दुनिया में पहुँच गए थे जहाँ अब तक रॉयल लिवर अकेडमी तबाह नहीं हुई थी। हम अभी नहीं जानते कि ये टाइम है या कोई अलग ही डायमेंशन, लेकिन अभी उनके सामने हिजरी खड़ी थी। अब इसके आगे के एपिसोड अगले पार्ट में और इसकी मूवी भी मैं इसके अगले पार्ट में कवर कर दूंगा। और जो लोग बसर्क ऑफ ग्लूटोनी और गोब्लिन स्लेयर का वेट कर रहे हैं, पता है यार मैंने बहुत ही ज्यादा वक्त लगा दिया है उसे लेके आने में, पर यकीन मानो मैं खुद भी मजबूर हूँ। और साथ ही मुझे कई सारे ऐसे एनिमेज भी कवर करने हैं जिनकी स्टोरीज बहुत ही कमाल की है और शायद ही आपने इन्हें देखा होगा। इतना बोझ है ना मेरे सर के ऊपर, मैं बता नहीं पाऊंगा कि मैं कई सारे एनिमे वीडियोस बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं फिर भी बना नहीं पा रहा, और इसकी वजह मुझे खुद भी पता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और अगर अब तक तुम मेरी बक बक सुन रहे हो तो यार तुम चले जाओ, मैं बस यूं ही वीडियो खींच रहा हूँ, तुम बस जाओ।